हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल प्लाजा से कृषि कानूनों के विरोध में आज इनेलो नेता अभय चौटाला दिल्ली सिंधु बॉर्डर के लिए ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले। शंभू टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में भी इस दौरान अभय चौटाला शामिल हुए। अभय चौटाला ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उनका ट्रैक्टर मार्च पेवा होते हुए नरवाना पहुंचेगा और 17 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगा। इस्तीफे को लेकर बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी तक यदि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो वे 27 तारीख को जाकर वे खुद अपना इस्तीफा मंजूर करवाएंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व भाजपा के लिए कह दिया कि वह यह कच्चाधारी लोग बहुत बदमाश हैं। कृषि कानूनों में सरकार हर तरह के संशोधन के लिए तैयार है। इस पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा, संशोधन का सवाल ही नहीं है, कानून वापस होने चाहिए। वहीं कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर अभय चौटाला ने जवाब देते हुए कहा, जब विधानसभा में बोलने का वक्त आता है तब कांग्रेस वाले कहाँ जाते हैं। ये ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये बीजेपी वाले जो है, ये कच्चे वाले, ये बहुत बदमाश हैं। ये मेरा इस इस्तीफे को जोड़ करके लोगों के अंदर वैसे ही एक आपस में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। किसानों की तरफ से एक डिमांड है कि तीनों काले कानून रद्द करके MSP की गारंटी दो और नए सिरे से किसान के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठक करके नए कानून बनाओ जिससे किसान को लाभ हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, उसकी आय से 50% उसको ज़्यादा दो। अगर इन बातों को सरकार सीरियसली लेती तो पहले दिन ही, पहली ही बैठक में फैसला हो जाना था। आज किसान की वजह से ही यह देश जो है आत्मनिर्भर है। अगर उस अन्नदाता को आप दिल्ली में नहीं जाने दोगे तो फिर ये मान करके चलो कि आप उस अन्नदाता की अनदेखी नहीं कर रहे कि लगातार किसान के साथ केंद्र की सरकार अत्याचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश के भाईचारे को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैंने साफ लिखा अपने इस्तीफे में कि 26 जनवरी तक अगर ये तीनों कृषि के काले कानून वापस हो जाते तो ठीक है, अगर 26 तक काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो मेरा जो इस्तीफा मैंने लिख करके भेजा है उसको स्वीकार कर लिया जाए।